वेलकम टू क्विज साइट। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू ये पार्ट वन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IBPS, SBI, SSC एंड IRB। आजकल कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा है, तो यही भी जितना भी क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब ध्यान से इसको देखिए, और हम लोगों का टारगेट है 1000 कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू इसमें अपलोड करना है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं फास्ट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोर सुइटेड टू ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एक संरचित कार्यक्रम के लिए अधिक अनुकूल है? ऑप्शन ए PL1, ऑप्शन बी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी पास्कल या ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पास्कल। पास्कल इज एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन बाय निकोलस रीथ एज ए स्मॉल एफिशिएंट लैंग्वेज इंटेंडेड टू एनकरेज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस यूजिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चरिंग। इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड फिजिसिस्ट ब्लेसे पास्कल। पास्कल डेवलप हुआ था 1960 में। पास्कल पहले वो जो यूज़ होता था वो टीचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। अभी सी, सी प्लस प्लस, जावा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने के बाद इसका यूज़ कम हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और हाइपोथेटिकल सिस्टम इज। मौजूदा या काल्पनिक प्रणालियों की रिकॉर्डिंग और विश्लेषण के लिए एक कंप्यूटर सहायक विधि है, इनमें से कौन सा है? डाटा ट्रांसमिशन, डाटा फ्लो, डाटा कैप्चर, डाटा प्रोसेसिंग या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी डाटा फ्लो। द रूट बिटवीन ऑरिजिन वाया नोड्स टू ए डेस्टिनेशन टेकन बाय ए पैकेट ऑफ डाटा। द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ALU, बी मेमोरी, सी CPU, डी कंट्रोल यूनिट या ई नाउ दिस। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी CPU। ए CPU ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर। तो CPU को सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है। इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद इन ए कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अप ए कंप्यूटर प्रोग्राम। द CPU परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक, लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेट्स स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। तो पिक्चर राइट साइड में आप देख सकते हैं CPU कहाँ पर रहता है, मदरबोर्ड में रहता है जो प्रोसेसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या अंतर है? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बी साइंटिफिक कोड, सी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डी ऑल ऑफ द अबोव, ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1959 तक था, वो वैकम ट्यूब बेस्ड था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 से 1965 तक ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से लेकर 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980 तक VLSI प्रोसेसर था। VLSI फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेके अभी तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रोग्राम जो यूज होता है? ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, बी प्रोलॉन्ग, सी और डी कोबोल या फिर ई नन ऑफ दिस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा यूज़ होता है, देखते हैं आंसर इसका। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलॉन्ग। व्हाट इज प्रोलॉन्ग लैंग्वेज यूज्ड फॉर? प्रोलॉन्ग इज समटाइम कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज और ए रूल बेस्ड लैंग्वेज बिकॉज इट्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। प्रोलॉन्ग इज यूज्ड वाइडली फॉर आर्टिफिशियल लैंग्वेज, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस, पार्टिकुलरली एक्सपर्ट सिस्टम हु इन्वेंटेड प्रोलॉन्ग। एलेन कोलमोर एंड रॉबर्ट क्वाल्सकी, ये दोनों ने प्रोलॉन्ग को बनाया था, डिज़ाइन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्विज में यहाँ तक ही था इस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए तो बेल आइकन को पहले दबा दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।